चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन चंडीगढ़ भारत में रॉक प्रेमियों के लिए एक मूर्तिकला उद्यान है। इसे नाथूपुर के नेकचंद सैनी के रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इसके संस्थापक नेकचंद सैनी एक सरकारी अधिकारी थे जिन्होंने 1957 में अपने खाली समय में गुप्त रूप से उद्यान का निर्माण शुरू किया था। ये 40 एकड़ 16 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है और पूरी तरह से बनाया गया है। औद्योगिक घरेलू अपशिष्ट और छोड़ी गई वस्तुएं। रॉक गार्डन सुखना झील के पास स्थित है। इसमें मानव निर्मित आपस में जुड़े झरने और कई अन्य मूर्तियां शामिल हैं जो स्क्रैप और अन्य प्रकार की बेकार बोतलों, कांच की चूड़ियों, टाइल्स, सिरेमिक बर्तन, सिंक, बिजली के कचरे, टूटे हुए पाइप आदि से बनाई गई हैं, जिन्हें दीवारों वाले रास्तों में रखा गया है। अपने खाली समय में नेकचंद ने शहर भर के विध्वंस स्थलों से सामग्री एकत्र करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने काम के लिए सुखना झील के पास एक जंगल में एक घाटी को चुनते हुए सुखरानिप के दिव्य साम्राज्य की अपनी दृष्टि में इन सामग्रियों को पुनर्चित्रित किया। कंथ को भूमि संरक्षण के रूप में नामित किया गया था। 1902 में एक वन बफर स्थापित किया गया था जिस पर कुछ भी नहीं बनाया जा सकता था। चंद का काम अवैध था लेकिन 1976 में अधिकारियों द्वारा खोजे जाने से पहले वह इसे 18 साल तक छुपाने में सफल रहे। इस समय तक ये 12 एकड़ 4.9 हेक्टेयर के एक दूसरे से जुड़े आंगनों के परिसर में विकसित हो गया था जिनमें से प्रत्येक सैकड़ों मिट्टी के बर्तनों से ढके कंक्रीट से भरा हुआ था। नर्तक संगीतकारों और जानवरों की मूर्तियां। उनका काम ध्वस्त होने का खतरा था लेकिन वे जनता की राय अपने पक्ष में करने में सफल रहे। 1976 में सार्वजनिक स्थान के रूप में पार्क का उद्घाटन किया गया। नेकचंद को वेतन, सब डिविजनल इंजीनियर रॉक गार्डन की उपाधि और 50 मजदूर दिए गए ताकि वह पूरे समय काम कर सके। रॉक गार्डन 1983 में भारतीय टिकट पर छपा। रॉक गार्डन अभी भी पुनर्चित्रित सामग्रियों से बना है। सरकार की मदद से चंद शहर के चारों ओर कचरे, विशेष रूप से चित्रों और टूटे हुए सिरेमिक के लिए संग्रह केंद्र स्थापित करने में सक्षम थे। 1996 में जब चंद व्याख्यान दौरे पर देश छोड़कर चले गए तो शहर ने अपनी फंडिंग वापस ले ली और उपद्रवियों ने पार्क पर हमला कर दिया। रॉक गार्डन सोसाइटी ने इस अद्वितीय दूरदर्शी वातावरण का प्रशासन और रखरखाव अपने हाथ में ले लिया। इस उद्यान में प्रतिदिन 5000 से अधिक लोग आते हैं और इसकी स्थापना के बाद से 12 मिलियन से अधिक आगंतुक आए हैं।